और अब बात कोलकाता केस की, क्योंकि इसको लेकर जूनियर डॉक्टर और ममता सरकार के बीच चल रही तकरार नाटकीय मोड़ पर पहुंच गई है। जी हां, गुरुवार को जूनियर डॉक्टर फिर बैठक के लिए नहीं पहुंचे। ममता सरकार ने जूनियर डॉक्टर को नाबोन्नो में उन्हें बैठक के लिए बुलाया था और इसके बाद ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक के लिए उनका कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं पहुंचे। इसके बाद ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें मेरी कुर्सी चाहिए तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि आम आदमी के साथ नाइंसाफी हो। वो चाहती हैं कि गरीबों और आम लोगों को इलाज मिले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इलाज नहीं मिलने की वजह से बंगाल में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन वो काम पर नहीं लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने काम पर नहीं लौटने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया था, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर डॉक्टर बैठक के लिए राजी हैं, लेकिन कुछ लोगों को बाहर से निर्देश मिलना है कि वो समझौता नहीं करें। আশা করি মানুষ বুঝতে পাচ্ছেন, ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। और इधर सरकार के साथ बैठक के लिए जूनियर डॉक्टर्स ने तीन मांगे रखी थी। पहली मांग ये थी कि बैठक में सरकार ने जो 10 से 15 प्रतिनिधियों को बैठक में आने की अनुमति दी थी, उसकी जगह 30 प्रतिनिधियों को बैठक में आने की अनुमति दी जाए, जिसे सरकार ने मान लिया। दूसरी मांग ये थी कि बैठक में ममता बनर्जी मौजूद रहे, जिसे ममता सरकार ने मान लिया। जूनियर डॉक्टर्स ये चाहते थे कि बैठक का सीधा प्रसारण हो, जिसे मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि अभी इस मामले में जांच जारी है और इसे लेकर जो भी चर्चा हो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बैठक की रिकॉर्डिंग की पूरी व्यवस्था की है। बकायदा बैठक की रिकॉर्डिंग के लिए 3 वीडियो कैमरे भी लगाए गए हैं। और उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, साथ ही ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए वो सीएम ममता के साथ कोई भी सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इन सॉलिडैरिटी विद द बंगाल सोसाइटी आई रिसोल्व दैट आई विल सोशली बॉयकॉट द चीफ मिनिस्टर। आई विल सोशली बॉयकॉट द चीफ मिनिस्टर। Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief Minister.